नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट एंड फूड पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 कर्मयोग। श्लोक संख्या 13, चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विष भुंजते ते त्व अघम पाप ये पचंती आत्मा करानात। अर्थात द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के जो डिवोटीज होते हैं वो सब पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो जो भी खाना खाते हैं वो एज अ प्रसादम खाते हैं। मतलब अर्थात वो जब भी खाना बनाते हैं तो वो खाना पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, या उनके जो प्रिय देवता है डेमिगॉड्स है या कृष्ण को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही प्रसादम के रूप में वो लोग खाते हैं। इसलिए वो हमेशा सब पापों से मुक्त रहते हैं। यही पहले श्लोक का अर्थात है। मतलब यज्ञ शिष्टा मतलब ऑफ फूड टेकन आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। यज्ञ के बाद जो फूड बचता है उसको जब खाते हैं तो हम लोग तैरने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, क्योंकि वो आता तो प्रसादम के रूप में है, परंतु वहाँ पे जो गुण पाते हैं हम लोग वो अलग लेवल का होता है, उससे हम लोग का भला ही होता है हमेशा। इसलिए यही बताया गया है कि डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड व्हिच इज ऑफर्ड फर्स्ट फॉर सैक्रिफाइस। पहले सैक्रिफाइस करते हैं उसके बाद प्रसादम के रूप में वो लोग खाते हैं। परंतु जो लोग नहीं देते, सेकेंड लाइन में बताया गया है भुंजते तेतु अगम पापा ये पचंती आत्मा कराना। मतलब वो लोग जो पहले भगवान को ना देकर खुद के लिए खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, वो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। ये सच्चाई है, खराब मत मानिएगा दोस्तों, ये सच्चाई है कि वो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। वो जो अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए ये खाते हैं वो सिर्फ पाप को ही खाते हैं। द डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और द पर्सन्स हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं या वो लोग जो कि डिवोटीज हैं, वो उन्हें उनको कहा जाता है संतस। मतलब उन्हें संतस कहा जाता है। जैसे आप शीला प्रभुपाद का उदाहरण ले सकते हैं, उन लोगों का एक बॉन्ड बन जाता है लॉर्ड के साथ, चाहे वो कृष्णा हो या जो कोई डेमिगॉड जिसे वो प्रसादम पहले देते हैं। मतलब जो भी खाना बनाते हैं वो पहले उन्हें देते हैं, जो भी लॉर्ड हो उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, एज डिस्क्राइब इन द ब्रह्म संहिता 5.38। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।